Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. आज हमने बनाए हैं आलू के पिन व्हील समोसास, बहुत ही टेस्टी बने हैं। चलें तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने मैदा लिया है, हाफ टी स्पून में इसमें सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल के यूज करेंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। ऐसे अब हम इसको मिक्स ऐसे करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको मिक्स करके कैसे अंदाजा लगाना है कि हमारा ऑयल काफी है या हम और डालेंगे। देखिए इतना ऑयल होना चाहिए कि अगर आप इसको ऐसे इकट्ठा करें तो ये आपका इस तरह इकट्ठा हो जाए। इस तरह से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑयल हमने काफी डाल लिया। अगर आपको ऑयल या घी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। मेरा 2 टेबल स्पून काफी हो गया। अब मैंने इसको बहुत सख्त गूंदना है, उसके लिए मैंने 1/4 कप ये पानी लिया है। ये सारा नहीं डालूंगी, बहुत कम कम डालूंगी हसब जरूरत, क्योंकि बहुत सख्त गूंदना है इसको। वन फोर्थ कप है ये, इसी को सिर्फ पानी में, मतलब 4 टेबल स्पून वही पानी मैंने यूज किया, इसके अलावा मैंने पानी यूज नहीं किया। और ये बहुत अच्छे से, बहुत सख्त सख्त सा मैंने इसको गूंद लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ढांप कर 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी। 20 मिनट्स के बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने हरी प्याज ली है। अब हम इसमें हरी प्याज डालेंगे। और साथ ही मैं आपको बाकी मसाले बता दूं। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून जीरा है, जीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। तो पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। 4 दिन मैंने आलू लिए हैं और इस तरह उनको बॉइल करके मैश कर लिया है। मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है, अब बाकी मैं मसाले डाल दूं इसमें और इसको मिक्स कर लेती हूँ ऐसे। अब मैं साथ ही इसमें आलू डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें, मगर मैं इतना मिर्चें तेज नहीं खाती, इसलिए मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। देखिए मैंने इसको भून लिया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर, और साथ मैंने 4 टेबल स्पून ही पानी के लिए हैं। हम अब इसका एक मिक्सर सा बना लेते हैं, लिक्विड सा। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, हमने इसको पतला सा बनाना है। ऐसे बना लिया है मैंने, इसमें ऐसे टपक रहा है, ये गाढ़ा सा, बहुत पतला सा है, गाढ़ा नहीं है, ये नॉर्मल सा है। चलें अब हम अपने आलू के क्रिस्पी से पिन व्हील समोसास बनाना स्टार्ट करते हैं। बूंदे में हमारे 25 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको हाफ इसमें से ले लेंगे और हाफ हम इसमें छोड़ देंगे और ऐसे इसका पेड़ा बना लेंगे। और हमने बगैर खुश काटे के इसकी रोटी बनानी है, पतली सी। देखिए मैंने पतली सी एक रोटी बना ली है। अब मैं इसमें मिक्सचर रखूंगी, हाफ मिक्सचर इसमें ऐड कर दूंगी। आराम आराम से इसको अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड कर लूंगी। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फैला लिया है। अब हम इसको रोल करेंगे। बहुत आराम आराम से कीजिएगा, जरा टाइट करके कीजिएगा ऐसे। ये देखिए ऐसे आराम आराम से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। और अब ये जो लास्ट में रह गया है हमारे पास, इस पे जो हमने ये लिक्विड बनाया है
कि हम थोड़ा सा ऐसे लगा लेंगे इसको चिपकाने के लिए, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए ऐसे ये अच्छे से चिपक गया है। अब ये जो एंड वाला है इसको हम थोड़ा सा बंद कर देंगे ऐसे करके, और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा अंदर को करके हम इसको बंद कर देंगे ताकि ये खुले ना। और अब हम आराम से बिल्कुल इसको काट लेंगे। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेंगे, इस तरह से करना है। आपने भी इसको थोड़ा सा प्रेस करके शेप देनी है। सेम ऐसे ही हम बाकियों को भी कर लेंगे ऐसे। ये देखें देखिए हमारे आलू के पिनव्हील समोसास रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिप करेंगे मैदे में। और चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम मैदे वाला जो हमने बनाया है मिक्सचर पतला सा, इसमें हम डिप करेंगे इसको। और हम इसको फ्राइंग के लिए जो हमने ऑयल ऑलरेडी गर्म करने के लिए रखा हुआ है इसमें डाल देंगे। बहुत ही मजे के बनते हैं, घर में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब हम दूसरी तरफ से इसको टर्न कर देते हैं। बहुत ही मजे के हैं ये, और माशाल्लाह से स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही है इसकी। फ्राई हो गए हैं, मैं अब इसे डिश आउट कर लेती हूँ। टेस्टी हमारे पिनव्हील समोसास रेडी हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। आलू के हैं, अगर आप चाहें तो आलू की जगह कोई और फिलिंग भी, चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। देखें कितने क्रिस्पी हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।